विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेशनल नंबर। पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ये सब आपके चैप्टर में पीछे दिया गया है, पेज नंबर फर्स्ट और सेकंड पर इंट्रोडक्शन में ही। तो मैं आपको जो है क्वेश्चन को बताते चल रही हूँ, और आपको इंट्रोडक्शन के जो सिस्टम नंबर सिस्टम है वो मैं आपको उसमें बताऊंगी, दिखाऊंगी भी और समझाऊंगी भी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेशनल नंबर। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा रेशनल नंबर है। तो पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर है क्या। देखिए, ये आपके पेज नंबर 2 पर ये दिया है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं कि अ नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग पी अपॉन क्यू। यदि किसी संख्या को यानी किसी नंबर को हम पी अपॉन क्यू का मतलब है कि भिन्नात्मक रूप में यदि हम लिख सकते हैं, तो वेयर पी एंड क्यू आर इज इंटीजर्स, यानी पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हों। इंटीजर का मतलब जानते हैं क्या चीज़ होता है, ये भी आपकी बुक में दिया है, यहीं से समझा दें। हाँ बेटा, देखिए ये पेज नंबर फर्स्ट है। रेशनल नंबर है क्या, इसको जानने के लिए पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन की चीज़ों को यानी पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है उसको हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ होता है। नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज़ होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएँ, जो हम अपनी काउंटिंग की भाषा में जो भी अंक का यूज़ करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी हैं, 1000 है, 100 है, जितनी भी संख्याएँ हम यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, वे सारी काउंटिंग की जो नंबर होते हैं वे सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक। जो प्राकृतिक एकदम आपके पूरे आसपास जो घूम रहे हैं अंक, ये सारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। ये शुरू कहाँ से होता है, फर्स्ट से, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और सेकंड थिंग्स इसमें है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या चीज़ है, होल नंबर यदि आप नेचुरल नंबर में यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 के सबसे पहले हम ज़ीरो लगा दें, यानी इसमें अगर हम ज़ीरो को और ऐड कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं वे सारे होल नंबर हैं, बस इसमें एक ज़ीरो और ऐड हो गया है, तो ज़ीरो इसमें ऐड रहेगा। तब ये देखिए लिखा है कि नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, जीरो को लेकर जितने नेचुरल संख्याएं होती हैं वे सारी होल नंबर्स कहलाती हैं। थर्ड है आपका इंटीजर्स। इंटीजर में होता है ये कि जितनी भी नेचुरल संख्याएं हैं, होल संख्याएं हैं, उनको लेकर और उनका निगेटिव भी अगर ले लिया जाए, यानी पॉजिटिव संख्याएं, ज़ीरो और निगेटिव संख्या, यानी 1, 2, 3, 4 जितनी पॉजिटिव संख्याएं हैं, जो जितनी भी नंबर सिस्टम है आपके, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे, और होल नंबर में ज़ीरो भी आ गया, और उसके बाद जितनी निगेटिव संख्याएं हैं ये सब क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स कहलाती हैं। तो इंटीजर्स आपको अभी आगे यूज़ होगा क्वेश्चन में, तो आप ये जानते रहिए कि इंटीजर्स में आपका क्या क्या आता है, सारी निगेटिव संख्याएं, सारी पॉजिटिव संख्याएं और ज़ीरो। फोर्थ चीज़ है देखिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन वो होता है कि अगर किसी भी हम होल नंबर जितनी भी होल नंबर हैं उन सभी संख्याओं को यदि हम भिन्नात्मक रूप में लिख दें, यानी कि बटे के रूप में लिख दें, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ये सारी संख्याएं, ये देखिए आपकी क्या कहलाएंगी, फ्रैक्शन कहलाएंगी। बस इसमें होल नंबर को लेना है, ना कि इंटीजर्स को लेना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें इंटीजर्स नहीं आएंगे, यानी इंटीजर्स में जो निगेटिव संख्याएं आती हैं वो आपके फ्रैक्शन में नहीं आएंगी। फ्रैक्शन वे हैं जो सारी पॉजिटिव होंगी, सारे होल नंबर्स होंगे। हाँ, तो रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर है कि एनी नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। यानी फ्रैक्शन को भी अभी हमने देखा था कि फ्रैक्शन भी पी अपन क्यू के रूप में थे, पर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में आखिर डिफरेंस क्या है। रेशनल नंबर जो होते हैं इसमें आपका पी अपन क्यू आर इंटीजर्स होगा एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि क्यू जो होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि देखिए बेटा, दो चीज़ें हैं, एक है फ्रैक्शन
और दूसरी चीज़ है आपका रेशनल नंबर। देखिए फ्रैक्शन हमने आपको बताया जितने होल नंबर होंगे, यानी 0/1, 2/1, 1/2, जितनी भी संख्याएं ऐसे होंगी ये सारी फ्रैक्शन हैं। लेकिन रेशनल नंबर जो होगा इसमें आपकी पॉजिटिव संख्या भी आएगी, निगेटिव भी आएगी और ज़ीरो भी आएगा। तो यानी इसमें हम लिख सकते हैं माइनस, जो माइनस वाली संख्याएं आती हैं जो इंटीजर्स होते हैं, यानी -1/2 भी कर सकते हैं, -2/3 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी है और 1/2 भी है और 2/3, यानी कि जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी, जितने भी इंटीजर्स थे यानी जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, सभी का हम अगर रेशियो के यानी P/Q के रूप में लिख देते हैं तो वो सब हमारे रेशनल नंबर कहलाती हैं। लेकिन फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन में निगेटिव संख्याएं यानी निगेटिव का जो चिन्ह होता है वो नहीं आएगा, यानी इसमें सिर्फ होल नंबर का ही P/Q के रूप में लिखा जाता है। पर रेशनल नंबर में इसमें सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या और ज़ीरो। इन सब को अगर हम P/Q के रूप में लिख देंगे तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रेशनल नंबर। अब इसमें आपको बताना है कि रेशनल नंबर है क्या। रेशनल नंबर हमारे जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और ज़ीरो को भी लिया ऐड किया जाता है। तो पॉजिटिव संख्या यानी उस पर सेम यानी आपका नॉमिनेटर, जैसे ये P/Q है, यदि दोनों सेम है यानी ये आपका जो है न्यूमरेटर और ये आपका डोमिनेटर, ये दोनों अगर सेम है यानी जैसे लिखा है कि P/Q या फिर लिखा है P/Q-, यानी ऊपर और नीचे दोनों सेम है, दोनों के अंश और हर हमारे इक्वल हैं, ये भी निगेटिव में है ये भी निगेटिव में है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे। परंतु अगर यहाँ पर हमारा -P लिख उठा और Q के पास निगेटिव का चिन्ह नहीं है तो ये सेम तो नहीं है ना, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हाँ देखिए बेटा कि यदि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों अगर इक्वल नहीं है, यानी ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो अंश और हर को सेम होना चाहिए। यदि सेम है तो ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे और यदि पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे, और यदि सेम नहीं है तो ये निगेटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आपको पहचानने में आसानी होगी। देखिए अब आप आ जाइए अपने देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रेशनल नंबर। अब आप समझ चुके होंगे रेशनल नंबर है क्या, इसमें अब आपको बताना है क्या ये है रेशनल नंबर। यस, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए रेशनल नंबर P/Q के रूप में होती है, पर Q जो होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। यहाँ पे लिखा है कि -3, फर्स्ट क्वेश्चन का है। यहाँ पर देखिए -3 को अगर कोई भी संख्या नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर है। यस ये भी है। और उसके बाद सेकंड है 2/3 भी रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के रूप में है और इसका नीचे का हर जो है ये ज़ीरो नहीं है, तो ये भी आपका हो गया। अब यहाँ देखिए थर्ड आपका दिया गया है क्या है, 4/0। तो 4/0 यहाँ मैंने आपको रूल में बताया है कि P/Q के रूप में तो हो, पर ये ध्यान रखिए कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q का मान ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब तो वो रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ज़ीरो है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है 0/-5। ये देखिए क्या ये है रेशनल नंबर, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसका ये है रेशनल नंबर क्योंकि इसमें ये भी P/Q के रूप में है, पर इसका देखिए Q ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारी एक रेशनल नंबर है। ठीक, ये ओके बेटा समझ में आ गया होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आपको पूरी तरीके से मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें हंस रही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए कि राइट डाउन द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। कह रहे हैं कि रेशनल नंबर के रूप में पी अपॉन क्यू के रूप में लिखिए हुज न्यूमरेटर्स एंड डिनोम। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि राइट डाउन द रेशनल नंबर से इज द फॉर्म पी अपॉन क्यू। रेशनल नंबर के रूप में लिखना है जो नीचे संख्याएं दी गई हैं पी अपॉन क्यू के रूप में, हुज न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन। यहाँ आपको जो दिया गया है ये एक न्यूमरेटर्स दिया गया है और दूसरा है डिनोमिनेटर्स दिया गया है, तो इसको ले करके आपको पी अपॉन क्यू के रूप में संख्या को लिखना है। इसके लिए आप देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड का, दिया है कि -5 × 4 and -5 + 4। इसमें सबसे पहले आपको ये बता दिया है इसमें कि ये न्यूमरेटर्स दिया गया है और डिनोमिनेटर्स, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन हमारा जो पी अपॉन क्यू होता है संख्या होती है, इसमें ये ऊपर वाला जो होता है ये न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला जो होता है यानी क्यू जो है ये आपका है डिनोमिनेटर्स। तो इसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर्स। अब ये हमें अंक जो दिया है इसको हम लिख देंगे, न्यूमरेटर ऊपर क्या दिया है -5 × 4 और डिनोमिनेटर कितना दिया है -5 + 4। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका पी अपॉन क्यू के रूप में आ जाएगा। ये इंटू में मल्टीपल करना है इसको, तो 4 × 5 = 20, माइनस भी है तो माइनस ये आ गया 20। और नीचे ये देखिए ऐड यहाँ पे लिखा है -5 और +4, पॉजिटिव और निगेटिव अगर संख्याएं हैं तो ये क्या हो जाएगी, संख्या घट जाएगी निगेटिव, यानी कि प्लस और माइनस मिलकर माइनस होता है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 1, यानी और चिन्ह इसमें जो साइन लगाना है कौन सा लगाएंगे, ये जो बड़ी संख्या होती है हमेशा देखिए कि 5 बड़ी है और 4 छोटी है, तो बड़ी के आगे जो निशान होगा जो साइन होगा वही हम इसमें आंसर में भी लगा देंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस, ये आपका आ गया -20/1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, देखिए लिखा है 64/4 एंड 32-80। अब यहाँ पर भी आपको वही रूल करना है न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये कितना लिखा है 64/4 अपॉन ये कितना दिया है डिनोमिनेटर, ये दिया है 32-18। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इससे 4 से इसको डिवाइड करिए तो 64 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 16 अपॉन, इसमें 32 से 18 को माइनस कर दीजिए क्या रहा है, 32 से 18 को माइनस करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आता है 14। ये आपका आ गया 16/14, ये आपका रेशनल नंबर ये आ गया। और फर्स्ट का है -20/1, ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताते समय कि रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर। अभी मैंने ये बताया था कि पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में हों और इनका नॉमिनेटर्स और डोमिनेटर दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि पी अगर ये इसमें कोई भी साइन नहीं है तो दोनों सेम होंगे, और अगर इसमें अगर साइन है भी तो दोनों में भी निगेटिव होना चाहिए, यानी एक जैसे दोनों होंगे तब ये आपका पॉजिटिव है अन्यथा ये निगेटिव है। तो इसको देखकर सिर्फ पहचानना है, ये आप आसानी से इजली कर सकते हैं। देखिए अगर आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर समझ आ गया, यहाँ देखिए लिखा है -2/
9, माइनस 2 अपॉन 9 हम देखते हैं, तो इसमें देखो ये माइनस में है संख्या, ये आपका न्यूमरेटर जो है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, नहीं ये नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, ये माइनस 2 अपॉन 9 ये आपकी पॉजिटिव संख्या नहीं है। उसके बाद सेकंड दिया गया है, सेकंड है 3 अपॉन माइनस 5, इसमें देखिए 3 पॉजिटिव है और 5 जो है माइनस में है, तो ये भी रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नो ये भी नहीं है। फिर यहाँ देखिए 4 अपॉन 9 है, 4 अपॉन 9, अब यहाँ देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी सेम सेम इसमें है, तो ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है माइनस 3 अपॉन माइनस 19, माइनस 3 और माइनस, देखिए ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये आपकी रेशनल नंबर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, इसे आप बताइएगा कि ये आप की रेशनल नंबर है या नहीं है, प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं जानना है, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आप हमसे कमेंट में बताइए, तो मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।